हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर चले आया हूँ इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 का एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग। दोस्तों तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका फुल रिव्यू आप सभी को मैं दूंगा, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे ऊपर में आप सभी देख सकते हो, इधर में स्मार्ट 8 लिखा है, 50 मेगापिक्सल कैमरा है और 4 GB रैम है और 4 GB एक्स्ट्रा है। तो चलिए मैं इसका अनबॉक्सिंग कर देता हूँ, उसके बाद आप सभी को दिखाऊंगा इसके अंदर में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी देखिए, इसका जो चार्जिंग का जो पोर्ट है वो बहुत ही अच्छा है, 1 से 1.5 घंटे में आपको फुल चार्ज हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ क्या क्या दिया हुआ है आप सभी को मैं दिखाऊँगा। एक केबल दिया हुआ है, तो टाइप सी केबल है, बहुत ही अच्छा है, इतनी कम बजट में आपको मिल रहा है। तो इसको मैं थोड़ा साइड में रख दे रहा हूँ और क्या है आप सभी को मैं दिखाऊंगा। तो एक सिम इजेक्टर पिन है, तो जैसा नॉर्मली होता है पैसा दिया हुआ है, तो इसको भी मैं थोड़ा साइड में रख दे रहा हूँ। और कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें, गाइडलाइन इसमें कुछ दिया हुआ है, तो आप सभी देखिए और क्या है आप सभी को मैं दिखाऊँगा। और भी एक कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें दिया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा साइड में रख दे रहा हूँ। और एक क्रिस्टल कवर इसमें दिया हुआ है, तो ये मोबाइल पर लगाने पर बहुत ही अच्छा लगेगा, तो इसको मैं थोड़ा साइड में रख दे रहा हूँ। सबसे पहले जो मोबाइल है, तो सबसे ऊपर में आप सभी देखिए इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 लिखा है, तो बैक साइड में आप देख सकते हो वाइट कलर का है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं इसका और भी एक अनबॉक्सिंग किया हूँ, वो ब्लू कलर का था, तो आप चाहो तो चैनल में जाकर आप देख सकते हो। तो मोबाइल आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है, वाइट कलर का है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बैक साइड में एक इसमें जो रिंग लाइट की तरह इसमें जो प्लस दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दोनों कैमरा इसमें दिया हुआ है, 50 मेगापिक्सल है, और एक फिंगरप्रिंट भी है साइड में, और स्विच वगैरह कुछ दिया हुआ है नीचे की तरफ में है, आप सभी देख सकते हो। स्पीकर वॉल्यूम सब कुछ दिया हुआ है जैसा होता है। तो मैं मोबाइल को मैं थोड़ा ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद अंदर में क्या क्या दिया हुआ है आप सभी को मैं दिखाऊंगा। इसमें 4 GB रैम एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो हाल ही के दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो आप सभी को मैं वो भी दिखाऊंगा। तो बैक साइड में इधर में आप देख सकते हो इन्फिनिक्स जो इसका जो ब्रांड है वो लिखा है, तो देखने पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं मोबाइल को ऑन कर लेता हूँ, ऑन करके आप सभी को दिखाऊंगा इसके अंदर में कैमरा का क्वालिटी कैसा है, और कुछ वीडियो प्ले करके भी आप सभी को मैं दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ आपको मिलता है दोस्तों इसमें 5000 एमएएच का एक बैटरी भी इसमें दिया हुआ है, और 50 मेगापिक्सल कैमरा भी आपको मिल जाएगा बहुत ही कम बजट में, आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट में 9000 के अंदाज में आपको मिल जाएगा। तो मैं और कुछ दिखा देता हूँ मोबाइल को थोड़ा जल्दी सेटअप करके, तो मैं इसको थोड़ा बहुत ही जल्दी इसको सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद आप सभी देखिए कि इसके अंदर में और क्या क्या दिया हुआ है। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आप क्या क्या अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो मुझे वो भी कमेंट करके बताइए, तो मैं उसका भी अनबॉक्सिंग लेकर बहुत ही जल्दी आ जाऊँगा। तो मोबाइल हमारा सेटअप हो गया है, उसके बाद आप सभी देख सकते हो इसमें बहुत कुछ इसमें एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो मैं इसमें तो जाकर आप सभी को दिखा देता हूँ। इधर में जो एंड्रॉयड वर्सन 13 आपको नया अपडेट मिल जाएगा, तो आप सभी देख सकते हो और क्या दिया हुआ है आप सभी को मैं दिखाऊंगा। तो आप सभी देख सकते हो इधर में जो इसका जो रैम है वो 4 GB प्लस 4 GB एक्स्ट्रा इसमें दिया हुआ है, तो आप सभी देख सकते हो, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो आप जैसा चाहो आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसका रैम भी आप बढ़ा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप सभी को और कुछ दिखा देता हूँ, इसके साथ जो इसमें 64 रोम इसमें दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं और कुछ सेटिंग आप सभी को दिखा दूँ, ऊपर की तरफ में आप सभी देख सकते हो इधर में बहुत ही कुछ दिया हुआ है, और इसमें दोस्तों एप्लीकेशन बहुत कुछ दिया हुआ है, आपको चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इसका जो कैमरा है वो आप सभी को दिखा देता हूँ, तो कैमरा का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, आप सभी देख सकते हो। मैं इसमें कुछ पिक्चर उठाकर आप सभी को दिखा देता हूँ ताकि आप सभी अच्छी तरह से देख सको। तो मैं कुछ पिक्चर उठा लेता हूँ, उसके बाद आप सभी देखिए इधर में जो इसका जो कैमरा का क्वालिटी है वो भी मैं आप सभी को 50 मेगापिक्सल में भी कुछ उठाकर आप सभी को दिखाऊंगा। तो ये 50 मेगापिक्सल कैमरा है, तो आप सभी देख सकते हो, तो कैमरा बहुत ही क्लियर है। तो आप सभी देख सकते हो इधर में जो इसका जो पिक्चर है वो 50 मेगापिक्सल वो है, तो बहुत ही क्लियर आया है, बहुत ही अच्छा है, तो आप सभी देख सकते हो।
तो ये भी 50 मेगापिक्सल में तो है, तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आप सभी को और कुछ दिखा देता हूँ, इसके जो नॉर्मल कैमरा है वो भी आप सभी देख सकते हो, बहुत ही क्लियर आया है। तो मैं तो कहूँगा आप इसको परचेस कर सकते हो, बहुत ही कम बजट में आपको मिल जाएगा। तो मैं आप सभी को और कुछ दिखा देता हूँ दोस्तों, इसमें जो कुछ वीडियो प्ले करके तो कैसा चल रहा है, इसका रिजोल्यूशन कैसा दिया हुआ है वो भी आप सभी को दिखाऊंगा। तो मैं कुछ YouTube में कुछ वीडियो प्ले करके आप सभी को दिखा देता हूँ इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है। तो बहुत ही स्मूथ चल रहा है, तो आप सभी देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। तो मैं और कुछ आप सभी को दिखा देता हूँ, तो आप सभी देखिए, तो ये कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो एकदम स्मूथ चल रहा है। तो मैं आप सभी को और कुछ दिखा देता हूँ इसके साथ जो इसमें जो क्रिस्टल कवर दिया हुआ है वो इस पर यूज़ करने पर कैसा लग रहा है, तो आप सभी देखिए, वो भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो हमारा क्रिस्टल कवर जो आ गया है, तो आप सभी देख सकते हो, तो इसमें लगाने पर एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये आप सभी देख सकते हो, तो इसके साथ जो इसमें जो सी मैजिक्टर पिन इसमें दिया हुआ है वो भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। इसमें जो सिम टे है वो कैसा दिया हुआ है कि दो सिम आप यूज़ कर सकेंगे या नहीं, तो मैं आप सभी को वो भी दिखा देता हूँ। तो आप सभी देखिए, इसमें दो सिम और एक मेमोरी कार्ड आप आराम से अब यूज़ कर सकेंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं कोई नया वीडियो लेकर बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ।